अभी सब नीचे नाश्ता करने के लिए गए हुए हैं, तो मैं भी जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी है तबीयत? तबीयत फ्रेश है? और चाचू? अल्हम्दुलिल्लाह। नींद पूरी हुई आपकी? हाँ, हो गई। और आप सुनाओ? सबसे पहले अम्मी आते ही जाके सो गए थे। इनको ड्राइविंग करनी होती है ना, तो ये चलो अच्छा है, ये अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। अम्मी मुझे भी सीन डाल दें, आप इधर पास आ जाओ ना, यहाँ पास बैठ के खा लो। बच्चों में से हमने किसी को भी नहीं उठाया, किसी की नींद पूरी नहीं, और इतना लेट आते हैं, तो इस वजह से सुबह सुबह का भी हमारा नाश्ता। मैंने कहा फिर उनकी तबीयत अम्मी ठीक नहीं हो रही ना, नींद पूरी नहीं होती। सुने दो, कुछ रेस्ट कर ले। हाँ, तो हम सब नीचे नाश्ता करके आ गए हैं, बच्चों के लिए भी देखो ऊपर लेकर आए हैं। आपको इतना रेस्ट दिया, फौरन से नहीं उठा रहे। जल्दी से जाओ, मेरा बेटा मुँह हाथ धो के आयत। मम्मा का एग बॉयल आ गया, आ जाओ, उठ जाओ। रात से थके थके आए हैं ना, इनके कपड़े भी मैं चेंज नहीं करा। करो करो करो, पकड़ लोगी। नीचे दो पीलो भी रखे हैं, पीलो के ऊपर पाँव रखो, पीलो के ऊपर। हाँ, पकड़ लेगी ये, पकड़ लिया, पकड़ करने दो मत जा। कर लिया। ये आ गया, आप इसको टाइट पकड़ के बैठना। और नाश्ता देखो इतना कम किया बच्चों ने। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। और आज हम यहाँ से रावलाकोट से निकल रहे हैं, अभी आगे बहुत घूमना फिरना। फिलहाल अभी हम वापस रावलाकोट से वापस रावलपिंडी जाएंगे, क्योंकि ये ताहिरा सिस्टर की तरफ से या फिर उनके साथ एक जो उन्होंने प्लान किया हुआ था उनके साथ हमारा यहाँ तक सफर था। और हम रावलपिंडी एक दिन स्टे करेंगे, वहां पर घर लेंगे, और आगे फिर जहाँ पे भी होगा फिर आगे देखेंगे। फिलहाल अभी की ये रूटीन है, सुकून का माहौल है ना, मतलब दिल खुश हो जाता है। यहाँ से विंडो सामने देखो, विंडो से इतना खूबसूरत व्यू है ना, तो बहुत दिल लगा, दिल करता है बस आगे जो 2 महीने ना इधर ही गुजार लें। लेकिन आगे भी बहुत खूबसूरत है, वो भी हम देखेंगे। इस साइड पर जो है ना, ये इस साइड पे, ये वाली साइड, इस साइड पे इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन धुंध इतना ज़्यादा है कि देखो नज़र ही नहीं आ रहा। हवा भी काफ़ी तेज़ चली है, देखो एक तो ठंड है यहाँ पे, और ऊपर से आज कल हवा इतना तेज़ नहीं थी, आज हवा भी चल पड़ी है। इस साइड से देखो इतना प्यारा व्यू है। एक महीना इधर रुकेंगे, एक महीना गांव जाओगी? गांव में पता है कितना गर्मी है, एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। चलो यहाँ पर हमारे बैग पैक हो गए, नीचे रखे बैग। क्या खराब हो गया? जिप खराब हो गई। अब गाड़ी में फिर इसको ऐसे ही रख दें, ऊपर से बांध देते हैं। बाकी ये रहा अम्मी, हो गई तैयारी? हाँ, हो गई। चाचू आप भी तैयार हो गए? मैं भी तैयार। चाचू ने अम्मी वापस वही कोट पहन लिया ना, अम्मी इसी कोट के लिए मना करी थी वहाँ से कि सब लोग हंसेंगे, मत ले जाओ। आज देखो अम्मी काम आ गया, हमने चीज काम आती है ना। हाँ, आपका बेड कितना प्यारा है ना, पिंक कलर का, लड़कियों वाला। हम तो छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, कैसा लगा रावलाकोट? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। रावलाकोट कितना प्यारा है? बहुत प्यारा है, खाना भी अच्छा, रिहायश भी अच्छा, लोग भी अच्छे, लोग भी, हाँ पहाड़ के लोग यहाँ के बहुत अच्छे। आप बताएं आपको यहाँ के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और जो हमें जिसने इधर ठहराया, जिसने घुमाया फिराया, वो बहुत अच्छे थे। पूरी फैमिली इनकी, सब इनके घर में काम करने वाले, सब किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, हर एक चीज टाइम पे, चाय नाश्ता, बार बार पूछना पानी। जितने तारीफ करूं उतने थोड़ी है, बहुत अच्छे थे। मतलब हमने यहाँ से आकर क्या देखा कि दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता, अच्छे भी हैं इस दुनिया में, अच्छे भी बहुत। दिन हो गए अभी वो कह रहे हैं नहीं जाओ, अभी भी मना कर रहे हैं। हाँ अम्मी, आपको रूम के साथ इतनी बड़ी अलमारी दी गई थी, आपने कुछ रखा था? नहीं रखा। हमारे रूम में नहीं थी। अच्छा। देखो इतनी बड़ी अलमारी है जो कि अम्मी ने इस्तेमाल ही नहीं की। चाचू आप इस्तेमाल कर लेते? नहीं, डॉल शॉपिंग अच्छा करेंगे। तक अम्मी नहीं भूली। आपको कैसा लगा यहाँ आकर? मैं नीचे जा रही हूँ बस, इतना ही। खूबसूरत जगह पर हमने अपनी बहुत प्यारी यादें बनाई हैं, बहुत एक बेस्ट मोमेंट हमारी लाइफ के यहाँ पे रहे हैं। जैसे मैं लास्ट टाइम कश्मीर आई थी, तो वहाँ पे जहाँ कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ गए थे और आज तक नहीं भूला, तो ये भी उनमें से एक मेरी एक फेवरेट जगह है अब से, क्योंकि यहाँ पे इतना सुकून, इतना खूबसूरत इलाका, हरा भरा, और पहाड़ों के बीच में ही हमें फिर जो घर मिला है। यहाँ से इसकी बाहर ये एंट्रेंस हो गई,
या मतलब घूमते फिरते रहो, कोई नहीं ऐसा कि बाहर नहीं निकल सकते, औरतें घूमे फिरे तो बहुत अच्छा है। यहाँ का गाड़ियाँ आ रही हैं, यहाँ बच्चे नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, बच्चे बड़े सब यहाँ पर वॉक कर सकते हैं वहाँ तक, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ। तो देखो हमारे पाकिस्तान में कितना ज़्यादा खूबसूरती। तो बस इस खूबसूरत और इन प्यारे प्यारे पहाड़ों को आप बाय बाय करते हैं, अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं। लाइफ में दोबारा कभी ये मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँगी और हमेशा मुझे ये जगह याद रहेगी, कभी नहीं भूलेगी। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो आपकी लाइफ में इतनी प्यारी यादें बना कर जाती हैं जिनको हम कभी भी नहीं भूल सकते। बाय बाय। ये विंडो के पीछे बैक साइड पे जो मैं आपको दिखा रही थी ना, ये वाला व्यू, कि इस साइड पे भी ऐसे बड़े बड़े पहाड़ हैं लेकिन इस साइड पे बहुत ज़्यादा धुंध है। चलो जूते तो हमने नीचे ही निकाले थे, मैंने सब खुला वाला लूज सा फ्रॉक पहना है क्योंकि अभी फिर से हमें वापस वही पिंडी का सफर करके जाना 2 घंटे का, तो बीच में फिर आयत आ जाती है, फिर ये मेरी गोद में आ जाती है, तो बस ये सही है। यहाँ पे सबके जूते पड़े हुए हैं। जी अम्मी, तायरा सिस्टर वो शायद गाड़ी में बैठी है, उधर बैठी है, बाहर बैठी है। अम्मी ये जगह हमेशा याद रहेगी ना। सर पे ये जो एंट्रेंस है ना, ये गली भी, ये भी काफी खूबसूरत है, ये भी काफी प्यारी है। और यहाँ पर छोटे छोटे जैसे सबके मकान बने हुए हैं, ये देखो पूरे पहाड़ पे ऐसे व्हाइट छोटे छोटे फूल हैं। और ये वाला, हाँ, और खास तौर पर ये वाला घर, सारे छोटे छोटे मकान है, ये अलग से ऐसे खूबसूरत क्यूट सा है, जैसे जिसको ताला लगा हुआ है, ताला लगा हुआ था, आज पता नहीं खुला है क्या, आज इनकी भैंस भी आई हुई है, आज भी ताला, हाँ आज भैंस आई हुई, वरना हमेशा वो गाय दिखती है। बादल भी बनी हुई, रास्ते में बारिश ना हो जाए। ये तो बीच में अनार है मुस्तफा, ये बल्कि सामने ही अनार है, हमें पता ही नहीं था जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ पास इतना अनार है, खूबसूरत लग रहा है। ये अनार का पौधा है, हाँ ये वाला, ये भी आखिर में एंड में सारा अनार, ये फूल अभी मैं तोड़ने वाली हूँ, नहीं तोड़ पाएगा। मम्मी बातें करते करते पता नहीं चला, मौसम देखो, मौसम एकदम से चेंज हुआ है। देखो अभी बिल्कुल साफ थे, पीछे आ तो रहे थे काले काले बादल, इस साइड पे देखो बहुत तेज बारिश होने वाली, पहले निकल चलो फिर ड्राइविंग नहीं हो पाएगी अब। और ये रही रावला कोट की बाजार, पहाड़ी इलाकों वाले सारे लोग इधर से ही शॉपिंग करने आते हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफियां पड़ी हैं यहाँ पे, वो हाँ फुटबॉल ग्राउंड भी तो था ना। ऐसा होना चाहिए सिटी, चारों तरफ पहाड़, खूबसूरती की खूबसूरती भी इंजॉय कर सके और शहर के भी सारी सहूलतें उठा सके। रावला कोट ये डिवीजन है, इसके चार जिले इसके ताबे हैं, जैसे हमारा भावलपुर है, डिवीजन के नीचे चार या पांच जिले होते हैं, तहसील है, तहसील, हाँ तहसील है। ये क्या, हम गवर्नमेंट बॉयज में बॉयज के स्कूल आ गए हम, हाँ सामने इतना खूबसूरत ट्रक खड़ा हुआ है, ट्रक जो है ना वैसे पहाड़ों की शान है। देखो पीछे अभी एक और ट्रक आ गया है, और यहाँ के मैंने जितने भी ट्रक देखे सब के सब एक से एक खूबसूरत, जैसे घर यहाँ पर प्यारे प्यारे है ना, तो ट्रक भी सारे। हम थोड़ी सी छोटी सी यहाँ पे पिकनिक मनाएंगे, देखो खाना पकाएंगे, जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी रोकी है यहाँ पर एक छोटा सा झूला भी आयत का, स्लाइड लेना है, टूटा हुआ है, टूटा हुआ कैसे स्लाइड लोगी को गोट। हमने तो सोचा था यहाँ से सीधा निकल जाएंगे घर, आज पहले थोड़ा खाना खाते हैं ना। अच्छा यहाँ पे देखो रास्ते में भी इंतजाम करके आए कि यहाँ पे खाना बनाए, मम्मी यहाँ पे जगह भी मिल गई ना बैठने की, चलो थोड़ा रेस्ट करते हुए जाएंगे। तो ये साथ में लकड़ियाँ भी लाए हैं घर से, बिरयानी बने, पुलाव बने, चावल जो भी बने, इतना बड़ा चूल्हा बनाया है। हाँ पत्थर, जैसे यहाँ पे सारे बड़े बड़े पत्थर पड़े थे ना, जो मिले लें, चूल्हा बन रहा है इनका, तो देख के कैसा लग रहा है। है ना चाचू, आपको एंजॉय कर। इतनी प्यारी जगह पर हम रुके हैं, सामने बिल्कुल देखो ये मस्जिद भी है, और यहाँ पर हम अपनी पिकनिक मना रहे हैं। ये वही है जो पहाड़ के ऊपर छोटे छोटे दरख्त नहीं नजर रहा थे, जो लंबे लंबे दरख्त है, इसकी है, इसी दरख्त की है। ये देखो कितना लंबा दरख्त है,
हमारी YouTube फैमिली, आप देख सकते हो कि लाइव खाना चल रहा है, खाना पक रहा है। पर हायरा सिस्टर ने कहा हमें लगा हम सीधा घर जा रहे हैं, क्या सारे इंतजाम करके कर रही। हर रास्ते में सरप्राइज ही सरप्राइज दे रही है, अच्छा लग रहा है। चलो यहाँ पर धुआं बहुत ज्यादा हो गया, अम्मी चाचू जा रहे हैं, थोड़ा चले फिरे, गाड़ी में भी तो बैठ बैठ के आए हैं। अच्छा ताहिरा सिस्टर, यहाँ के ट्रक कितने खूबसूरत क्यों होते हैं, यहाँ के माशाल्लाह बहुत कलरफुल, और जैसे अभी अभी पेंट करा के लाए हूँ। यहाँ के ट्रक कितने अच्छे हैं, यहाँ के जो ट्रक हैं कैसे सजे हुए और कलरफुल हैं, प्यारे प्यारे। उसने मेकअप किया हुआ ट्रक ने जेवर पहने हुए, हाँ ये पहाड़ों की सारी रौनक है उनके ऊपर, उनके चेहरों पे। अम्मी आपका दिल तो नहीं भरा ना हरियाली देख देख के? नहीं 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 भरा, इतनी अच्छी चीजों से कैसे दिल भरता है। आप फूटा जो स्लाइड था ना, आखिर हमारी आयत ने नहीं छोड़ा गई। ये जो छोटा सा कारपेट है ना, ये मेरे अब्बू ने मुझे दिया था मेरे जहेज में, सऊदीया से लाए थे ना अम्मी, वही है, मैंने इसको संभाल के अभी तक रखा हुआ है। और मुस्तफा भी आप क्या कह रहे थे, हाँ नीचे उतरो, फिर से चोट वोट ना लग जाए। आपका भाईजान वो मोगली बन गया, आयत मोगली बन गया। मोगली नीचे आओ, कहती है मैं आयत हूँ, वो मोगली है। इस दाने दाने की बनती है चटनी, पत्तों की नहीं बनती। नहीं खुशबू देखी इसकी चटनी, आपको पिंडी में खिलाओ जैसे पुदीने की खुशबू। क्या बोलते हैं इसको, टिम्बर। इतनी बड़ी मकड़ी चढ़ के आ रही थी, भाग के कैसे है, क्या हुआ, मकड़ी आ रही थी, इतनी बड़ी थी। ये यहाँ गांव से लाए, इधर से हाँ। देखो गांव के लोग सच में बहुत अच्छे, अपने घर का सारा कुछ उठा के दे देते थे। पूरा भरा हुआ पानी का कूलर हमारे पास भिजवाया है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जो संभाल के रखी हुई थी अब इनको निकाल के, भूली हुई थी असल में ये कि ये भूल ही गई। उस तरफ एक, उस तरफ रखे, सही बैलेंस में रखे ना। और मौसम भी काफी अच्छा हो गया, एकदम से ना ऐसे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, या फिर धूप निकल आती है, लेकिन ठंडा हो गया। गवर्नमेंट बॉयज स्कूल भी है मेरे ख्याल में, आगे हुआ ये रोड, जो ये रोड जो सीधा जा रहे हैं उस साइड पर अनार भी है। देखो और कुर्सियां भी ले आई, चटाई भी ले आई, यहाँ पर हर कोई हर एक चीज दे देता है। हाँ ये देखो इतना ऊंचाई पे, अम्मी रिक्शे भी आए हुए हैं, और वो सामने देखो कितना ऊंचाई पे हम आए हैं। तो कमजोर होता है, वही तो मैं देख रही हूँ कि कैसे ऊपर चढ़ा है। जहाँ पे हम रुके हैं ना, तो इतना खूबसूरत जगह है ना कि मैं क्या बताऊँ, सुकून वाली जगह। ठहरो ये देखो ये वाला, चलो इस साइड पर तो खाना पक रहा है, और यहाँ से देखो मैं आपको अनार दिखाती हूँ, अनार के भी पौधे हर एक जगह पर। हम हमसे ये थोड़ा स्लिपरी है, ये जो ब्राउन कलर की ये घास दिख रही है ना, इस पे पाँव स्लिप होता है। देखो मैं जैसे रख रही हूँ ना, पाँव नीचे आ रहे हैं ये। और यहाँ से देखो इतना अच्छा लग रहा है, इनकी कोई चटनी बनती है यहाँ के लोगों को पता होगा। और ये देखो अनार के फूल, अनार के फूल कहाँ गए, ये देखो सारे अनार के। क्या पोनी ग्रांड YouTube फैमिली, ये देखो अनार यहाँ पर बहुत सारे हैं, यहाँ पर मेरे साथ 9 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो फल फ्रूट यहाँ पे बहुत ज्यादा है, सबको कुदरती, ये कुदरती अनार है और इसकी ताकत भी बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पर तो अक्सर बारिश ही रहती है, बारिशों से ये हरा भरा रहता है। तबीयत बेहतर हुई, लेटेगी तो और तबीयत खराब होगी, ठीक है ये थोड़ी सी चलती फिरती रहेगी ना, एंजॉय करो वहाँ जंगल में। चलो आ जाओ, वहाँ से एक सांप पकड़ के लाते हैं। चले चले हाँ? बारिश मेरे ख्याल में इस तरफ हो रही है, पहाड़ों के उस साइड ना बारिश हो रही है, तो उस वजह से ये ठंडी ठंडी आवाज आ रही है। कहाँ है? करते हैं। ये बताऊँ क्या है, ये जो दरख्त है ना, इसके निकलते हैं। हाँ इसके ये बहुत स्लिप, अभी मैं भी गिरने वाला था, मैं खुद भी संभाल के रखा। आ गया मेरा क्यूट सा बेबी, स्नेक आया हुआ है, डर रही है। स्नेक है, स्नेक है यहाँ पे। Everyone please smile. Smile. बहुत प्यारी पिक्चर आ रही, आयत के देखो, आयत के, आयत को लग रहा है मेरी पिक्चर बन रही है। इतने फेस बनाते, अम्मी चाचू भूख तो नहीं लग रही,
मुझे लगता है चाचू को भूख लग रही देखने से किसी ने बकरी का दूध निकाले इसको पकड़ेंगे इसके दूध से इतने सेहतमंद है ये बताइए कुछ दूध देने इतना जरूरी है पहाड़ी बकरी नहीं किसी भी बकरी का बकरियों के दूध में बहुत ज्यादा ताकत है तो कहते हैं बच्चों को जरूर पिलाना चाहिए हाँ धार जो निकालते हैं चलो आ जाओ वो गिलास गिलास तो बस से लिया इसमें दूध निकालेंगे मारेगी तो नहीं ना दूध निकल रहा है ये देखो पहाड़ी बकरियों का दूध बस मुझे शायद सही से निकालना नहीं आ रहा मुझे नहीं निकाल ऐसे ऐसे इधर देखो ऐसे ऐसे अभी तो करके खड़ी हो गई देखो मैं मारती नहीं हूँ अमित दूध तो देखे कटोरा भर के निकला गाढ़ा है ज्यादा अमित यहाँ की बकरियों का ज्यादा गाढ़ा होगा चलो चाचू को ज्यादा ताकत की जरूरत है कैसा है हमारे रेवती के चाचू अच्छा लगा कैसा कैसा लेके चाचू टेस्ट कैसा है बहुत अच्छा है। अच्छा डिफरेंट है वहाँ से एक जैसा है नहीं नहीं बहुत ये अलग है ये और है और है क्योंकि ये पहाड़ी घास खाते हैं हमें जो और खाते हैं अच्छा टाइम का पता ही नहीं चला कितना जल्दी तैयार हुए ना आग पे खुशबू इतनी अच्छी आ रही है बादल गरज रहे हैं बारिश कभी भी हो सकती है आज मजे के बने पुलाव मजे का है चलो ये लो मुस्तफा ये आपकी प्लेट ये वाली खाने आपको ठीक है वो गर्म है ना शायद इसलिए नहीं खा रही अम्मी कैसा बना है पुलाव मजे का बना हुआ ना आग पे बनी हुई चीज वैसे बहुत अच्छी बनती ये रायता घर से बना के लाए थे रायता घर से बना के लाए बाकी सारा सामान लेकर आए तो यहाँ पर मज़ेदार गर्मा गर्म पुलाव हमारा तैयार हो गया जो हमने यहाँ जंगल में बैठ के पहाड़ों के बीच में बनाया है और इतना टेस्टी बना है इतना जल्दी तैयार भी हो गया है यूट्यूब फैमिली आप सब भी आओ हमारे साथ खाना एंजॉय करो इसको भी आना जल्दी से आ जाओ जल्दी जल्दी खाना बहुत अंधेरा हो गया है बादल देखो गरज रहे हैं जिन्होंने इतना बड़ा पानी का कूलर भर के दिए ये चश्मे से भरा होगा ना पानी है ना चश्मे का भरा हुआ पानी ये मैंने पिया ही नहीं है अभी लेती मुस्तफा यहाँ से मुझे एक गिलास पानी का देना ये आ गया हमारा चश्मे का साफ सुथरा पानी मैं जब से आई हूँ ना चश्मे का पानी तो हम पी रहे हैं तो वहाँ पे जब पहाड़ों में ऊपर गए थे ना वहाँ पे भी चश्मे वाला पानी पिया था ऐसा मजे का दिल करता बस पानी पीते रहो नेस्ले का पानी तो इसके आगे कुछ भी नहीं है घर का जो हम वहाँ पे पीते हैं ना वो भी कुछ नहीं है ये बहुत टेस्टी पानी है